कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बेरोजगारी दिवस मनाते हुए नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के लिए कूच पर निकले, लेकिन तस्वीर महल पर पुलिस फोर्स ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। काफी देर तक पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोके रखा। कार्यकर्ता हाथों में गुलाब का फूल लेकर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तस्वीर महल चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर विरोध जताया। कांग्रेसियों ने रोजगार की मांग करते हुए नारेबाजी की, युवाओं के हक में नारे लगाए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्म दिवस नहीं है बल्कि बेरोजगार युवाओं का मरण दिवस है, इसलिए बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी युवाओं की आवाज को बल देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश का जो युवा भूखा मर रहा है उसकी हक की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। ले रहे हैं, युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हमारे देश में भूखा मर रहा है, अपनी डिग्रियों को आग के हवाले कर रहा है, जो किसान गरीब अपनी जमीन को गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया, उस बच्चे ने मेहनत करके डिग्री प्राप्त की, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज देश का युवा संघर्षरत है। अरे भैया, जिस युवा बाहुल्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिस देश के युवाओं ने वोट दे करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आज वही प्रधानमंत्री अपना जन्मदिवस मना रहे हैं। आज हमारे देश के युवाओं की तरफ कोई ख्याल नहीं है उनका, इसीलिए आज हमारे देश के युवाओं ने ठाना है कि अपने मजबूती दिखाएंगे, अपने रोजगार को मांगेंगे और हम लोग डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आज क्या हुआ आपको देना पड़ेगा? आज क्या हुआ, क्या हुआ आपको? लोगों जेल भेजा जा रहा क्या है? आज सुबह से हमारे युवा साथी एकत्रित होने लगे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। पार्टी से हटकर आम युवा यहाँ एकत्रित आपके साथ। पुलिस ने क्या किया आपके साथ? मैं वही बता रहा हूँ, आज युवा इकट्ठा हुआ था, उन युवाओं को डरा करके, धमका करके, उनको टॉर्चर करके भगाने का काम किया, और यहाँ पर हम चोरी छुपके दुबकते हुए यहाँ पर हम आए हैं और हमारी आवाज को कोई सुन नहीं रहा। तो आपका जेल भेजा जा रहा है आप लोग? जेल भेजा जा रहा है आपको?